नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं आइस की। तो हम आप सबको इस वीडियो में बात करेंगे 10x10 का कॉलम में रिंग क्या देना है। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे, आखिर 10x10 का कॉलम में रिंग क्या देना चाहिए। 10x10 का कॉलम में रिंग क्या दें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जहाँ कहीं भी काम करते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि 10x10 का कॉलम में मैक्सिमम रिंग जो पड़ता है वो 8mm का 6mm का सरिया लगता है। तो दोस्तों ज़्यादातर 8mm का ही दिया जाता है, क्योंकि 8mm का ज़्यादा मजबूती होता है और होता है, और 6mm का सरिया वो भी दे सकते हैं, तो वो जो बोलते हैं उसी का 8mm का ही रिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। और 8mm का सरिया रिंग के लिए देना ज़रूरी भी है आजकल का घर में, क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी घर बनाते हैं चाहते हैं कि मेरा घर मजबूत बने और अच्छा बने। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जहाँ कहीं भी काम करते होंगे तो आप लोग जैसी हो अच्छा ही बनाइए। जहाँ भी कहीं आप लोग बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें रिंग देना है, और रिंग जो देना है वो 8mm का जो सरिया है उसी को रिंग देना है, ठीक है दोस्तों। और 8mm का सरिया जो रिंग है वो आपको कॉलम में देना है। तो आपको कितना उसका लंबाई लेना है, कितना उसका साइज रखना है, और उसका जो टोटल लेंथ कितना होगा उसका पूरा A to Z आप सबको इस वीडियो में आप सबको बताएंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको 10x10 का कॉलम में रिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले सरिया कटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। तो सरिया कटिंग करना है तो उसके लिए नाप चाहिए, तो आपको साथ में टैप होना चाहिए दोस्तों। आप टैप ले लीजिए दोस्तों, जो इंची टैप हम लोग बोलते हैं कि उसको नाप कर लीजिए दोस्तों। और उसमें आपका नाप क्या होगा दोस्तों, हम बता देते हैं दोस्तों कि आपको 10x10 का कॉलम में 7x7 का रिंग दिया जाता है, ठीक है। आप एक 7x7 का रिंग है, ठीक है दोस्तों, और आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये जो इसका जो भाग है, एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों भाग जो है ना बराबर बराबर रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका जो लंबाई है पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई इसका चारों तरफ से मिला के आपका 30 इंच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 30 इंच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 इंच हो जाएगा। और 30 इंच का मतलब क्या है दोस्तों, आपको फीट में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 12 इंच में हो जाता है, 12 इंच में आपका एक फीट 6 इंच आता है दोस्तों, ठीक है। 30 इंच का मतलब 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच, ठीक है दोस्तों, 2 फीट 6 इंच इसका मतलब हो गया पूरा 30 इंच। तो इसका जो कॉलम का जो रिंग है, इसमें आपका कॉलम का रिंग, इसका जो साइज रहेगा टोटल सरिया का जो लंबाई है 7x7 का रिंग बनाने के लिए वो आपका 30 इंच का होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा दोस्तों मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप सबको, और आप सबको क्या बताया मैं। मिलते हैं कल दोस्तों अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद।